बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सोबर। मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आज शुरू होनी है एक ऐसी तहरीक जिसके बारे में हुकूमत को पहले ये काफी ज्यादा प्रेशर में डालने की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत नहीं आई। लेकिन अब तहरीक कसास शुरू होगी। पाकिस्तान अवामी तहरीक मॉडल टाउन सानहे के जो विक्टिम्स हैं उनके हुकूक के लिए और साथ ही स्पीडी ट्रायल के लिए एक तहरीक चलाने वाले हैं। ताहिरुल कादरी साहब, अभी बिगिनिंग में पहले मरहले में 6 बड़े शहरों के अंदर ये स्टार्ट होगी, जिसके अंदर से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद और भी बाकी दीगर शहर हैं जिसके अंदर ये तहरीक स्टार्ट होगी। इस हवाले से बात की जाएगी कि मॉडल टाउन सानहे के विक्टिम्स को अब तक क्यों इंसाफ नहीं मिल सका, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ऐसा हुआ क्यों और कौन जिम्मेदार है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, नवाज शरीफ साहब भी तैयार है। क्यों तैयार है? इत्तेहादियों को यकीन दिला दिया कि कोई परेशानी की बात नहीं, फिक्र की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, इसलिए क्योंकि तमाम मसला जो है हैंडल कर लिया जाएगा। कैसे हैंडल कर लिया जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों से बात करेंगे। तनवीर साहब, पहले तो तहरीक कसास होनी है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो सबके सामने, मॉडल टाउन सानहा, क्या वाकई में कुछ हो पाएगा? देखिए, मुझे कोई ज़्यादा तौक़ात वाबस्ता नहीं है इससे। ये तहरीक चलाने का मकसद ये है कि हम उन JIT की रिपोर्ट्स पे अदम एतमाद का एहसास इजहार कर रहे हैं, जिनके अंदर हसास इदारों के लोग भी मौजूद थे और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी ये एक तरह से हम सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। पहली बात यह है कि आप कसास के नाम पे खून का बदला खून लेना चाहते हैं, तो ये सिर्फ मॉडल टाउन के सानहे पे क्यों इतलाक होता है? बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग जिम्मेदार हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि हुकूमत के अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उनको भी कटहरे के अंदर लाना चाहिए। मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही है कि मुलकगीर एहतजाज जो अगर 6 शहरों में हम आज करते हैं तो ये मुलकगीर एहतजाज किस तरह हो गया। बाकी मराहल तो अभी बाद में आने हैं, उनको देखा जाएगा। मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती है कि पाकिस्तानी आइन के तहत कनेडा का एक शहरी वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस तरह से एहतजाज, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, लेकिन जिसने मलका कनेडा की वफादारी का हलफ उठाया हो उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है इस चीज़ की? ये कहा जा रहा है कि नेशनल टेक्निकल डेमोक्रेसी है, मशीनों से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। भाई, टेक्निकल डेमोक्रेसी जो है ये वो बंदा इतराज़ करे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर मौजूद है। आप शेर अली कहते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब एक काउंसलर की सीट जीत कर दिखाएं। अगर आप जमहूरी प्रोसेस में नहीं हैं, आप उस रस्ते पे नहीं जा रहे, आपकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है, तो आप फिर जमहूरियत के ऊपर आपका सवाल उठाना ज़रा मुनासिब नहीं लगता। देखिए, इस वक्त अपोजिशन मुंतशर है। ताहिरुल कादरी साहब की क्रेडिबिलिटी पिछले धरने में जो दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए थे, फिर वो वापस चले गए थे तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है मुतासर हुई थी। अभी उनके हुकूमत जो है ये अनपॉपुलर नहीं है। हुकूमत को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन एक छोटा सा इंडिकेटर्स है जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं। 58(2)(b) पाकिस्तान के आइन में मौजूद नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त किसी तुर्की के वाक़े के बाद को पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज के बाद हमने देखा है कि वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं। इस सूरत हाल में जबकि अपोजिशन के अपने अंदर इत्तेफाक नहीं है, क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि तहरीक कसास किसी मंत के अंजाम तक सही है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्या ताहिरुल कादरी साहब का कनाडा का सिटीजन होना या फिर और बाकी जितने भी मुहरकात है इस हवाले से, इसका मतलब यह है कि वो जो मॉडल टाउन सानहे के अंदर लोगों का कत्ल हुआ था या लोगों को मारा गया था उनके हुकूक की बात ना की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिरुल कादरी साहब अगर कनाडा का सिटीजन है, वो पाकिस्तान के सिटीजन भी हैं, ड्यूल सिटीजन है, आइन के मुताबिक वो अलाउड है, कोई गैर आइनी काम नहीं है। हाँ, कल को अगर उन्हें इलेक्शन लड़ना हो, पब्लिक ऑफिस के लिए जाना हो, तो फिर उनको कनाडा की सिटीजन छोड़नी पड़ेगी, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी अपनी एक मूवमेंट है, उनकी अपनी एक पार्टी है, उसके एक इज्तमाही कत्ल हुआ है उनके 14 वर्कर्स का, और जारी बात है इज्तमाही कत्ल हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में कभी हम, मुझे याद नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर इस तरह रियासत की तरफ से इस तरह की बर्बरी की। मैं आपकी बात बताऊं, आज अगर आप वो सारे क्लिप चलाएं, बिलीव मी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो इमेज हम देख रहे हैं आज, एग्जैक्टली वही इमेजेस है। अगर आप लोगों को ना बताएं कि जनाब ये मॉडल टाउन का सानहा है, तो लोग कहेंगे कि अच्छा, ये तो लगता है कोई इंडियन पुलिस है या इंडियन आर्मी के लोग हैं जो कि मार रहे हैं जाके इतने बुजुर्ग, इतने शहरियों को। एग्जैक्टली वही चीज़ नजर आए। देखें, ये एक ऑर्गेनाइज्ड समझता हूँ क्राइम था, ऑर्गेनाइज मर्डर था, मैस मर्डर था,
इस पे इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा शुहदा के अपना फैमिलीज को, ये तहरीक ये चलती रहेगी, चेष्टा की 10 तरीके और चलानी पड़े। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये लाहौर हाई कोर्ट के जो नए ऑनरेबल चीफ जस्टिस आए हैं, जो बार बार इंसाफ की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं और आईन और कानून की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इनके दौर में ये काम। लेकिन आखिर अवामी तहरीक क्या चाह रही है और कितना उनको उम्मीद है कि गवर्नमेंट से उनको कुछ मिल पाएगा, इस हवाले से बात करते हैं। खुर्रम गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम गंडापुर साहब जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान अवामी तहरीक के। गंडापुर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में। ये बताइएगा कि जिस तरीके से अवाम का रद्दअमल है, तमाम चीजें सामने हैं, लाइन ड्रॉप हो गई हमारी, हम कोशिश करते हैं दोबारा खुर्रम गंडापुर साहब से कॉन्टैक्ट करें। लेकिन तनवीर साहब, जो बात चल रही है हुकूमत की जानब से, वजीर आजम साहब की जानब से ये बोलना है इत्तेहादियों को कि कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, सारी चीजें सॉल्व कर ली जाएंगी, ये तो नॉन सीरियसनेस नहीं लगी? अगर कोई मसला है उसे हल कर दें आप। देखिए बात यह है कि जमहूरियत को डीरेल करना जो है ये इन हालात के अंदर मुनासिब है। माजरत तनवीर साहब, खुर्रम गंडापुर साहब हमारे साथ एक बार फिर लाइन पर मौजूद है। खुर्रम गंडापुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान अवामी तहरीक आज एहतजाज तो कर रही है और मुल्कगीर तहरीके खसास चला रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आया है उसके हवाले से आपको कुछ मिल पाएगा इस तहरीक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया मुझे अपने रईस की तरफ से व्यूज शेयर करने का। बेसिकली बात यह, इस गवर्नमेंट से खैर की तवक्को करना तो मेरा ख्याल है नाजायज होगा, क्योंकि आप सारे इश्यूज पे देख लें, किडनैपिंग जो है, किडनैपिंग इज नॉट एन इशू जो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू है। किडनैपिंग इतने मैसिव स्केल पे हुई है, क्या रिएक्शन है गवर्नमेंट का कि जी ये तो होता रहता है, इस तरह के क्राइम्स तो होते रहते हैं, ये आपका स्पीकर नेशनल असेंबली का कह रहा है। अब बात यह है कि किसास का जहां तक ताल्लुक है, हम कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर रहे। पुराने पाक में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐ मुसलमानों, किसास ने तुम्हारे लिए जिंदगी रखी हुई। तो हम तो ये कहते हैं, हम किसी एक फर्द का नाम तो ले नहीं रहे, हम तो ये कहते हैं कि दिन दहाड़े 14 लोगों को शहर के अंदर कत्ल कर दिया गया। वजीर आला खुद एतराफ कर चुके हैं दो मौकों पर। एक मौके पर वो कह चुके हैं कि मुझे नहीं मालूम कि किसके हुक्म पे ऑटोमेटिक वेपन लेके वहां पुलिस गई। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पुलिस किसके ऑर्डर पे गई है। अब ऐसा जाबिर और जोरावर वजीर आला अगर ये दो बातें कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आखिर चलें, बाकी तो कुछ हुआ या नहीं हुआ? जिन लोगों ने वजीर आला को डायरेक्टली डिसओबे किया उन पुलिस अफसरों को क्या सजा हुई? खुर्रम गंडापुर साहब काइंडली ये फरमाएं, इस सानिया मॉडल टाउन के केस में इंसाफ लेने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी सेकेंड FIR थी, अभी तो जो केस चल रहा है वो तो हुकूमती FIR जो पुलिस वालों ने की थी वो चल रहा है, जो सेकेंड FIR है जो हमारी नज़र में ज़्यादा क्रूशल है उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप समझते हैं कि ये जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर चीफ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने अपना अज़म का इजहार किया कि वो इंसाफ दिलाएंगे और वो उनका नंबर वन एजेंडा होगा, आप उनके आने से आपको इंसाफ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे? देखें, डेफिनेटली जब एक स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस आता है उससे लोअर लेवल के जो जजेस होते हैं उनको एक सहारा मिलता है और एक ढारस मिलती है अगर मेरिट पे काम हो रहे हों और जज जो चीफ जस्टिस हैं वो मेरिट पे लोगों को प्रमोशन और पोस्टिंग्स करें। जी, लेकिन यहाँ मसला ये है कि जो हमारे सुनने में आया है और जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा हुआ है वो ये है कि ये तो इस्तगासा जो हमने किया है ये तो उसका लॉ ही बदलने के लिए प्रपोजल दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि प्राइवेट कंप्लेंट का सिस्टम ही खत्म हो जाए ताकि मॉडल टाउन का इस्तगासा खत्म हो जाए। अगर ये देखें, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि डजंस ऑफ टेलीविजन चैनल्स वर देयर, उन सब ने देखा कि वहां क्या हुआ। अब गुल्लू भट्ट को तो आपने सजा दे दी जिसने गाड़ियों की शीशे तोड़े, लेकिन जिन्होंने लोगों को मारा उनको आप अरेस्ट भी नहीं करते।
गंडापुर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रोफेसर ताहरुल कादरी साहब ने ये कहा कि फायरिंग का हुक्म नवाज शरीफ ने दिया और शहबाज शरीफ ने अमल कराया। सर, क्या आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है इस स्टेटमेंट के हक में? क्योंकि जो JIT दूसरी थी उसने इस स्टेटमेंट से इत्तफाक नहीं किया था, उसमें आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी मौजूद थीं, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी थी। मोहतरम, दो बातें हैं। अगर वो दूसरी JIT ने इनको इतना ही मुबर्रा करार दिया था तो वाई डोंट दे उसकी रिपोर्ट को मंजरे आम पे क्यों नहीं लाते? पहली JIT की रिपोर्ट को मंजरे आम पे क्यों नहीं लाते? जस्टिस बाकर नकवी की रिपोर्ट को मंजरे आम पे? देखें, ये हेर से है कि जी उन्होंने उनको जो है बेगुनाह करार दे दिया। दूसरी बात, हमारे साथ धरने में ये वादा किया गया था कि JIT का हेड ऐसे आदमी को लगाया जाएगा जो पंजाब का शहरी नहीं होगा, वो बाकी तीनों सूबों में से किसी एक सूबे का शहरी होगा। क्योंकि हमने ये तहफ़ जाहिर किया था कि जो भी पंजाब का शहरी होगा वो ला महाला शहबाज शरीफ साहब के इन्फ्लुएंस में होगा, क्योंकि 8 साल से ही वजीर आला हैं सूबे के, और जिस किस्म के वजीर आला हैं मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये वादा किया गया था हुकूमत की तरफ से। जनाबपुर साहब, आप ये बात बिल्कुल बजा कहते हैं कि इस हुकूमत से खैर की तवक्को नहीं है, इसलिए इस पर दबाव बढ़ाने के लिए संजीदगी की जरूरत है। क्या ये मुनासिब नहीं कि डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब कनाडा छोड़ के पाकिस्तान आके इस मसले पे खुद फोकस करें, खुद ज़्यादा तवज्जो दें? अब क्या उनकी वापसी का शेड्यूल क्या है? आप कहते हैं कि मिनाजुल कुरान दुनिया भर में फैल रही है, उनके तरबीती और इल्मी किस्म की मसरूफियात होती हैं। पिछली मरतबा भी उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ मंथ की अंजाम तक पहुँचाऊँगा, लेकिन नहीं हो सका। इस बार क्या जमानत है? क्या वो वापस जाने का इरादा रखते हैं? मोहतरम, जमानत तो ना हमें देने की जरूरत है और जमानत की ना कोई ऐसी हमारे पास जमानतें हैं। अभी मसला ये होता है, अभी 9 दिन के लिए डॉक्टर ताहरुल कादरी के, ओ जी डॉक्टर ताहरुल कादरी वापस चले गए, लेकिन जब वो 9वें दिन वापस आ गए तो किसी ने कमेंट नहीं किया कि वो वापस आ गए। तो जाना आना लगा रहता है। मुझे सिर्फ ये सवाल बताएं कि ये जो एक सिविल जज, सीनियर सिविल जज थे जिनका बेटा हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट में जाके रो पड़े और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पूरे बेंच के सामने कहा कि मुझे पाकिस्तान की पुलिस पर यकीन नहीं है और मेरे बेटे का केस किसी और एजेंसी को दे दिया जाए या फौज को दे दिया जाए, क्या वो भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के फर्ज थे? गंडापुर साहब, ये फरमाए, ये फरमाए कि कादरी का ये मामला नहीं है, ये मामला है पाकिस्तान के अंदर दिन दहाड़े 14 शहरियों के कत्ल का और 80 शहरियों के जख्मी होने का। क्या गंडापुर साहब जरूरी है कि जी गंडापुर साहब काइंडली ये फरमाए कि ये जो तहरीक आप बड़े भरपूर तरीके से आज लॉन्च कर रहे हैं और मेरे ख्याल इसके काफी फेजेस हैं, आप समझते हैं कि ये वाकई एक ग्रैंड फिनाले की तरफ जाएगी और मजबूर कर देगी पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को और पाकिस्तान के रियासती इदारों को कि वो इस तहरीक के बाद बिल्कुल आपको बुक के मुताबिक, सेकेंड FIR के मुताबिक आपको इंसाफ मिले? देखिए, कोशिश तो हर एक की यही होती है। आप ये बताइए, कश्मीर में हजारों लाखों लोग जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, जिसमें 76 लोग इस वक्त तक मर चुके हैं? इंसान तो अपने हदफ के लिए कोशिश कर सकता है, फर्क सिर्फ पिछली दफा और इस दफा का ये है। आज के जलसे में आप ये देखेंगे कि सारी स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ खड़ी होंगी, मॉडल टाउन पे हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। इंशाअल्लाह ताला लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जो पंजाब असेंबली में हैं मियां महमूद और रशीद साहब, वो भी आज हमारे साथ होंगे, ताफ लीग भी हमारे साथ होगी, जमात इस्लामी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो बात यह, इस दफा इट इज अ ब्रॉड बेस्ड थिंग और मॉडल टाउन के ऊपर खसूसन इन्होंने कहा कि आपका जो मौकफ है उससे हम 100% इत्तेफाक करते हैं, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। और दी एंटायर ऑपोजिशन मा अद्दा, वो दो तीन लोग जो कि जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब के, वो तो अगर दिन हो तो दिन को रात कहने को तैयार है, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग, लेकिन बाकी सब लोग हमारे साथ हैं। हमारी इंशाअल्लाह ताला इस दफा भी यही कोशिश है
कि हमें इंसाफ मिले, या तो कोई बताए कि हमने हुकूमत मांगी हो। हम तो लगातार एक इंसाफ तगोदौ कर रहे हैं, इंसाफ तगोदौ में हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान का कानून है, जो खुदा का कानून है, उसके मुताबिक जो भी अमल दरामद है। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हमारे शो में। लेकिन उन्होंने फरमाया कि बहुत सारी जमातें उनके साथ उनके एहतजाज का हिस्सा बनेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे इत्तेहादी नवाज शरीफ साहब के भी तो है। नवाज शरीफ साहब ने भी तो अपने इत्तेहादियों से मीटिंग की है, इस हवाले से की है, और कोई जिस तरह मैंने पहले भी कहा पहली बात ये है, पहली बात है कि जो जमातें, ये एक नेशनल सानिया है, कोई एक गली मोहल्ले का सानिया नहीं है। इस नेशनल सानिया, नेशनल कॉज के लिए जो जमात नहीं आएगी, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने अपने आप को एक्सपोज कर देगी और उनका जमीर जो है उनको हमेशा जो है वो मलामत करता रहेगा। एक तो ये, अब आप आ जाए देखें, आज नवाज शरीफ साहब की जगह मैं भी हूँ, दो तहरीकें, एक आज और एक कल शुरू हो रही है, तीन डिस्क्वालिफिकेशन के रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्टी के अंदर बार बार रिपोर्ट हो रहा है, अब वो फॉर्मल नाराज ग्रुप जो है ऑन ग्राउंड आ गया सामने, उनके अपने हेल्थ इश्यूज हैं और गवर्नेंस के पूरे पाकिस्तान में बड़े और मसाइल हैं। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब इज अ वेरी वरिड मैन, और अगर मैं भी उनकी जगह हूँ तो मैं भी ये कहूँ कि फजलुर्रहमान साहब आ जाएं, मेरी मदद करें, अच्छा गजी साहब आप भी आ जाएं, आफ्ताब शेरपा साहब आप भी आ जाएं। आफ्ताब शेरपा साहब को तो नैब में केस जो है वो रिसेंटली खत्म हुआ है, अच्छा गजी साहब की पूरा खानदान बेनिफिशरी बलूचिस्तान में, इसी तरह फजलुर्रहमान साहब, तो जितने उनकी गवर्नमेंट के बेनिफिशरीज हैं, जो उनके पोलिटिकल अलाइज फायदा उठाते रहे, वो तो जारी बात उनकी मदद के लिए आएंगे। मुखालिफीन की नाकामी की बात कर रहे हैं तनवीर साहब, मुखालिफीन नाकाम होंगे, नवाज शरीफ साहब ये कह देते हैं, लेकिन मुखालिफीन जो डिमांड कर रहे हैं उसको तो देखें, एक आम शहरी की हिफाजत की डिमांड हो रही है, वो डिमांड नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि वो शहरी पहले रियासत का निजाम बदलने की बात करता है, चंद महीने बाद उसको ऑर्डर मिलता है करप्शन के खिलाफ बात करनी, वो करप्शन के खिलाफ बात शुरू कर देता है, चंद महीने बाद उसको पता चलता है कि मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं मिला, दो साल बाद वो मॉडल टाउन के इंसाफ के लिए सड़कों पे आने की बात करता है। बेसिकली ये शहरियों के हकूक की बात नहीं है, ये निज़ाम उलटने की बात है। गंडापुर साहब ने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, वो बड़े टेक्टफुली मुजफ्फराबाद के सीनियर सिविल जज की तरफ चले गए और हमारे सवाल उसी जगह मौजूद हैं। देखिए वो कहते हैं काफली साथ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साथ है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन साथ है, जमात इस्लामी साथ है, ये सारा सिफर प्लस सिफर प्लस सिफर इज इक्वल टू सिफर कर लें, क्या पार्लियामानी अदती ताकत है इन जमातों की। दूसरी तरफ पूरे सेनेट ने कल मुतफिका तौर पे करारदाद पास की है और कहा है कि अगर ये इस निज़ाम जमहूरियत को ख़त्म किया गया तो ये जो आपका वफाक है ये खत्म हो जाएगा, ये बाकी नहीं रहेगा। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के हाउस में एक मीटिंग हुई है, मैं आपको ब्रीफली ये बता दूं कि उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में बात की है, इत्तेहादियों से भी किया है। अब हो सकता है हुकूमत पेट्रोल पे भी कोई देखे दे पर कुछ पे करे, मुखालफीन को भी मनाने लेकिन अगर अददी तादाद नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, अगर मेरी कोई अददी तादाद नहीं है तो मैं अपने हुकूक नहीं मान सकती। बिल्कुल देखें, इसका ना कोई, इसका बिल्कुल जमहूरियत से एक लिहाज से तो ताल्लुक है कि जमहूरियत में इत्तेसाब और ये तमाम चीजें तो नहीं है, किसास तो अल्लाह ताला का निजाम है, ठीक है ना जी। जो पार्टी यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन उनको जहन रखना चाहिए कि ये दुनिया के ये जो आसाइश और ये बेनिफिट का जो इतनी रह जाए, इतनी रह जाएंगे, ये जाके अल्लाह की अदालत में क्या कहेंगे। एक साहब ने ट्विटर के ऊपर लिखा कि ये तो बताया जाए कि एक आलमी दीन, एक खतीब जो है वो उस ओहदे से अरबपति कैसे बन गया, अपने एसेट्स भी तो सामने लाएं, आप भी तो बताएं कोई ऑफशोर कंपनी है कि नहीं। एसेट सामने लाने के अलावा वो मसले मसाइल दोनों साइड टेबल के ऊपर बैठे मसले को हल करने की कोशिश करें, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो ज्यादती को हल करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ ये कि एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए और ईगो का आना का मसला बना लिया जाए। लेकिन नाज़रीन, एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठने की और मुज़ाकरात की बात तो एक और जगह चल रही है, और वो चल रही है वो हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान का, पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में क्रैश हुआ या उसको क्रैश किया गया, तबाह कर दिया गया, और तालिबान के पास 7 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं, उनकी हवालगी के हवाले से उनकी वापसी के बारे में मुज़ाकरात की बात चल रही है। फारूक साहब, मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन पहली बात यह कि वो हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजारा, आपको क्या पता नहीं था कि वहाँ हुकूमत का जोर है या फिर तालिबान का जोर? नहीं, वो तो आपकी बात सही है, तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जिन लोगों ने सारा फ्लाइट प्लान बनाया और ये जो एयर कॉरिडोर की क्लियरेंसेस ली, उनको सोचना चाहिए था कि ये मुल्क की सूरत हाल जो है इस वक्त वो नहीं है कि हम, वो एक फ्रेंडली मुल्क नहीं है, वो होस्टाइल कंट्री है, इसको मुल्क को
अवॉइड करना चाहिए था, कोई और रूट लेते, बल्कि अब तो लेटेस्ट ये भी हो गया है कि ऐसे लॉन्ग फेरी फ्लाइट्स नहीं होती हैं अगर आपने किसी और मुल्क में जाना हो। और भाई 50-60 हज़ार डॉलर में वो बड़े बड़े रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवेलेबल होते हैं, वो आते हैं जहाज को लोड करते हैं, 2 घंटे में अगली जगह पहुंचा देते हैं। अब तो ये तरीका है, और पैसे की कोई कमी तो नहीं थी पंजाब गवर्नमेंट के पास, उन्होंने ये इतना रिस्की पाथ जो है वो अडॉप्ट किया। देखिए हम पूरी नेशन जो है ना, चाहे वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, या हमारे इदारे हैं, हम सब उनके एफर्ट्स के पीछे हैं, सपोर्ट में हैं कि जो वो अफगान गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं या अफगान तालिबान के साथ जो बैक चैनल कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं कि इनको अपने क्रू जो है, हमारे जो पाकिस्तानी ये जो हैं क्रू मेम्बर, इन सबको रिहा करवाया जाए और सेफली पाकिस्तान आए। लेकिन मुझे कुछ लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि देखें ठीक है, वो कह रहे हैं कि अफगान तालिबान की हमारी कस्टडी में, हमारी लीडरशिप इसका फैसला करेगी। अब उसमें और फैक्टर भी आ जाते हैं, अफगान तालिबान भी आजकल बिगड़े हुए हैं। जब भी मुल्ला अख्तर मंसूर की जो ड्रोन हमले में हलाकत हुई थी आज से चंद हफ्ते पहले, अफगान पीस प्रोसेस रुका हुआ है, पता नहीं अंदर के मामला क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई ओनली होप कि अफगान इंटेलिजेंस और रॉ, इनका जो बड़ा गठजोड़ है, ये शरारत ना करें, ये शरारत ना करें कि अच्छा ये पाकिस्तानी ये जो हालांकि देखें दिस इज द मिलिट्री हेलीकॉप्टर, दिस इज नॉट अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर, ये तो सिविलियन हेलीकॉप्टर है जो कि पंजाब गवर्नमेंट का है। तो लिहाजा इस पे ना सियासत उनको करनी चाहिए अफगान गवर्नमेंट को, ना उनके इदारों को इस पे कोई शरारत करनी चाहिए, और इस किस्म का और इंडिया को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम लेकिन तालिबान के साथ जो मुजाकरात है, क्या कोई ले दे का डिमांड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हेलीकॉप्टर के हवाले से बात हो रही है, तालिबान के हवाले से। तनवीर साहब, मैंने सवाल जो पहले छोड़ा था ब्रेक से जाने से पहले कि क्या अब कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी के ऊपर जाएंगे मुज़ाकरात में? देखिए निका, दो किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक स्टेटमेंट अफगान तालिबान की तरफ से ऐसा आया है कि तमाम लोग हमारे पास हैं, महफूज हैं, कोई शरायत हम नहीं रख रहे, जब भी हमें ये कोई सेफ पैसेज मिलेगा तो हम इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। दूसरी एक स्टेटमेंट ये आ रही है कि इसके लिए वो अपनी शुरा से मशवरा कर रहे हैं, आला क़यादत से पूछ रहे हैं, और एक वो डिमांड्स की लिस्ट बना रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी जाएगी। कुछ अपने बंदे वो अफगान हुकूमत से रहा करवाना चाहते हैं, कुछ तरह की बात आ रही है। सबसे तकलीफ दह रवैया अफगान हुकूमत का है, उनकी वजारत दफा ने कहा है कि हम जायजा ले रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं कि क्या ये वही हेलीकॉप्टर है जिसकी हमारे से फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ली गई थी। देखिए आज जो हमारा हेलीकॉप्टर है उसका मलबा तुर्खम के रास्ते वापस आ रहा है। बातचीत जो इंडिकेशंस अंदर से मिल रही हैं उससे पता चल रहा है कि ये मामला शायद पुरमन तरीके से हल हो जाएगा और ये लोग वापस। आई क्विकली वांट टू अप्रिशिएट कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल गए हैं, तमाम ये जो क्रू मेंबर्स हैं, कर्नल सफ्तर और कर्नल नासिर, बाकी जितने ऑफिसर्स हैं, पायलट्स और मेंटेनेंस, उनके घर में गए, उनकी फैमिली को जाके उन्होंने उनको तसल्ली दी है कि जी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको सेफ्टी हिफाजत के साथ इनको, और पूरी कोशिश करनी भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है। एक तो पहले केयरलेसनेस बरती गई रूट का तयन करने में, अब केयरलेसनेस नहीं बरतनी चाहिए और इसको फौरी तौर पर मसले को हल कराना चाहिए। लेकिन जहाँ केयरलेसनेस की बात है तो फिर ये चीज़ भी सामने आती है कि कई दफ़ा एक शख्स जिसके हवाले से बहुत अहम पोस्ट उसके पास होती है, वो शख्स दूसरे बिजनेस में लगा होता है और यहाँ केयरलेसनेस हो जाती है हुकूमत से कि पैसा इधर का उधर हो जाता है। लेकिन के पी के ने एक अच्छा डिसीजन लिया जिसको अप्रिशिएबल डिसीजन कहा जा सकता है कि ना तो गवर्नर, ना चीफ मिनिस्टर, ना ही मिनिस्टर्स और ना ही अफसरान कोई जाती बिजनेस कर पाएंगे। फारूक साहब ये अच्छा डिसीजन है, इम्प्लीमेंटेशन कितनी होगी? डिसीजंस पहले भी हमने केपीके में बहुत देखे, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान पाया। देखिए पहला स्टेप तो ये कि कानून तो आए ना, तो अब कानून आ गया, केपी असेंबली ने बिल पास किया कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, गवर्नर से लेके नीचे अपना ग्रेड 17 के अफसर तक, या एमएनएज, एमपीएज, ये तमाम लोग जो सूबे में जो काम कर रहे हैं, वो अब कोई अब प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकेंगे जब वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। इसको वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है कि जब आपका आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे हैं और आप वजीर भी हैं, या आप एमपीए भी हैं, या ग्रेड 20 के ऑफिसर भी हैं, तो फिर ये होता है कि आपकी कोशिश होती है कि कैसे कोई ना कोई तरीका निकाल के आपके अपने जाती बिजनेस जो है उसको फ़ायदा मिले, वो मामला आगे चले। ये आपकी बात सही है कि ये इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन चले एज अ फर्स्ट स्टेप। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ आई है कि इन्होंने एक कमीशन कायम की है और कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, और कमीशन का ये मकसद होगा कि जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं हर साल उनके असासे, उनके एसेट्स जो हैं वो जनाब एग्जामिन किए जाएंगे
और उसके बाद देखा जाएगा कि भाई पिछले साल के अगर दो घर थे, अब इस शख्स के छह घर हो गए, ये एक साल में चार घर इनके कितने ऐड हुए, प्रॉपर्टीज क्यों इतनी ऐड हो रही है, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकी पब्लिक ऑफिस। सही, अच्छा कार्रवाई कैसे होगी कैसे नहीं होगी बात कर लेते हैं। शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर केपीके के, बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत साहब ये इस हवाले से कानून साजी के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का सवाल उठाया जाता है यूजुअली कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो पाएगी, बाकी कवानीन पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई, तो आप कुछ पॉजिटिव थॉट रखते हैं इस बारे में, कुछ उम्मीद रखते हैं? देखिए तो नियत की बात है और दूसरी बात ये कि हम दो चीजें इस पर हम फख्र भी करते हैं, जो एक एहतसाब कमीशन जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी सूबे में आज तक इस तरह का एहतसाब कमीशन लेकर नहीं आए जो अपने लिए हो। दूसरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ जो है वो हम अपने लिए लाए हैं और सबसे पहले लागू किया है मिनिस्टर्स पर और चीफ मिनिस्टर पर, और उसका मेन मकसद ये था कि कोई ये ना समझे कि कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। पहले हमेशा लोग ये कहते थे हम बड़े पारसा हैं लेकिन ये जो दूसरे हैं बड़े चोर हैं, तो हमने शुरुआत अपने से की है कि अब ये नहीं कि हम बाद में कहते हैं सांप चला जाए और उसको वो लाठी को मारते रहे। लेकिन शौकत भाई आप कहते हैं कि वजीर या वजीर आला जो है ये इक्तदार के में रहते हुए कारोबार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कारोबार अपने बेटे के हवाले कर दे, भाई के हवाले कर दे, तो उस पर कोई कदगन नहीं लग सकती, तो फिर क्या अफादियत रह जाती है इस कानून की? और दूसरा ये बताएं ये जो मुआवन अमला है उसका उसके उससे आपकी मुराद क्या है कि वो भी कारोबार नहीं कर सकते? देखें पहली बात तो ये है ना कि ये एसेट डिक्लेरेशन होती है और उसके बाद से एक एक, एक, एक विजिलेंस कमेटी जो वेसल फ्लो एक और ला ला रहे हैं जिसके आप बारे में बात कर रहे हैं कि ये कोई चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, तो वेसल फ्लो का एक और ला आ रहा है और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को शायद वो फैसला हो जाए और मंजूर हो जाए। उसमें बड़े क्लियर चीज़ें हैं कि देखें अगर कोई बंदा पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर है और वो उसका बेटा या भाई अगर वो जाके उसकी दुकान डाल ले, पाइप की दुकान डाल ले पानी के पाइप की, और वो और जाहिर है ठेकेदार फिर वहीं से जाके खरीदेगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ जाता है ना। या आप उसके अपने जो ओहदा है आप उस ओहदे से नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो बड़ा क्लियर होता है, वो नजर आता है। उसमें अपोजिशन चेक एंड बैलेंस रख सकती है, एतराज कर सकती है, फिर उस पर जुर्माना हो सकता है। सर मुआवन अमला क्या है, मुआवन अमला जो वो भी कारोबार नहीं कर सकता उसमें कौन कौन आते हैं? देखिए इसमें जो एक तो जो हमारे सेक्टरी लेवल के जो है ना जो पास अथॉरिटी होती है, तो अथॉरिटी जिनके पास भी होगी वो इसमें कारोबार नहीं कर, ये बड़ा क्लियर ला है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान शौकत दीप साहब काइंडली मेरे दो पॉइंट है आपके लिए। पहला तो ये कि आप ये मुराद सईद और ऐसे अपने जो मोहतरम अपने MNA MPs इनको समझाएं कि इतनी मुश्किल से आप लोगों ने KP पुलिस ऑर्डर जो है वो ख़त्म करके उसके बाद KP रिफॉर्म लेके आए हैं, और कल वो दो दिन पहले जो वाकया था कि उनके वालिद साहब को टिकट दिया गया और पुलिस वो का जो वार्डन था उसके साथ जो हालत की गई, तो ज़रा उनको समझाएं कि इस किस्म की चीज़ों को ना करें ताकि आपके जो विजन है जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आगे उसमें आसानी हो। लेकिन आपने जो एहतसाब बिल की बात की है, देखें ये बड़ा अच्छा आपका एहतसाब कमीशन चल रहा था, आपके सिटिंग मिनिस्टर जो है वो जेल में जा रहे थे, लेकिन मदद से आप ही लोगों ने जो स्टेटस को टाइप लोग बीच में हैं अभी भी KP असेंबली में और PTI के अंदर, उन्होंने उस सारे अमल को सेबोटाज किया, डीरेल किया, इमरान खान को बीच में आना पड़ा। सवाल मेरा ये है कि ये जितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिल है, ये विसल ब्लोअर बिल है, ये क्या वाकई जनरली आप लोग दिल से लेके आ रहे हैं या इमरान खान साहब की विजन जो है वो चल रहा है सारा मामला? देखिए विजन तो इमरान खान का ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन दिल से मुराद मतलब ये कि इसमें जो क्लास डाले जा रहे हैं जो इसकी बिल जो बनता है तो उसमें एक एक चीज को देखा जाता है, उसके लिए वर्ड जो है वो उसकी सिलेक्शन होती है, तो वो तो जाहिर है यहाँ की टीम कर रही है और उन्होंने ज्यादा कोशिश की है। देखिए इसमें बड़ा डिबेट हुआ, इसमें ये नहीं कि हम लेकर आ गए, इसमें अपोजिशन हमारे साथ बैठी। सबसे पहले तो ये था कि हम जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, MPs हैं,
इस बार इन सबको एक साथ इसमें शामिल कर दिया जाए, जो कि 3.5 लाख बनते हैं तकरीबन। तो उससे शौकी यूसुफ साहब, आपका जो एहतसाब कमीशन वाला मामला है, वो इदारा अब सही तरह फाल नहीं है, उसको आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको उसका भी बता दूं, ये जो है ना एहतसाब कमीशन जो पहले था ना, अगर आप अभी देख लेना तो मेरे ख्याल से इतना मौसतरीन इदारा बन गया है कि शायद ही एशिया नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ कि दुनिया में इतना मौसतरीन एहतसाब का कोई इदारा बन सका हो। आप अगर उसको देख लें, अगर आपको चाहिए मैं आपको उसका बिल कॉपी भी भिजवा दूंगा, आप पढ़ लें इंशाल्लाह ताला। जो गलतियां अगर हुई भी हमसे हुई थी, देखे हम नए भी थे और बहुत सारे इश्यूज हमारे साथ हैं, यह मुश्किल तरीन सुबह है, तो हुकूमत करना इतना आसान काम नहीं है। एक तरफ दहशत गर्दी हो रही है, दूसरी तरफ आप अपने तरक्याती कामों पर भी नजर रख रहे हैं। अपोजिशन में यहाँ पे हम इसलिए अपने आप को समझते हैं कि वफाक से जो पैसा हमें आना आता है वो हमें जून में मिल जाता है। सही, शौकत यूसुफ जई साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया, लेकिन एट द सेम टाइम केपीके के अंदर अगर ये मुस्बत कदम की तरफ बढ़े हैं तो इनको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। बाकी बहुत सारी चीजों पर सवाल उठाया जाता रहा, कहीं परवेज खटक साहब खुद ये ना कह दें कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इसे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, जिस तरीके से पहले उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब सालों का काम महीनों में चाह रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, कामयाब कौमें वो चीजें करके दिखाती हैं जिनके बारे में बात करती हैं, और एक मिसाल इसकी साशा ओबामा है। साशा ओबामा प्रेसिडेंट बाराक ओबामा यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की बेटी होते हुए एक रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं, और मिशेल ओबामा को इस बात पे सराहने की जरूरत है कि वो कहती हैं कि मैं अपनी दोनों बेटियों को आम शहरियों की तरह रखना चाहती हूँ, ऐसे नहीं कि वो कोई VIP हैं या कोई बहुत ज्यादा हाईफाई शख्सियत की बेटी हैं। तनवीर साहब, क्या हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी बेटे या फिर शहबाज शरीफ साहब के या किसी भी वज़ीरे आला में से किसी के भी बच्चे इस तरह से हमें काम करते हुए नजर आएंगे, या किसी आम स्कूल में आम अस्पताल में इलाज करते हुए ये नजर आएंगे? इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जिस ये जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वहाँ बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, उनको तालीम दे के बेटियों को मजबूत किया जाता है, इंटर्नशिप करवा के उन्हें बताया जाता है कि अमली ज़िंदगी के चैलेंजेस जो हैं उसको उसका कैसे सामना करना है। आज अगर बाप व्हाइट हाउस में बैठा है तो कल व्हाइट हाउस में नहीं होगा, और ज़िंदगी की जंग जो है उन्होंने खुद लड़नी है। उनको मजबूत बनाने के लिए अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स जो है उसकी बेटी एक रेस्टोरेंट में काम करती है, वो ग्राहकों को खाना सर्व करती है। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर तो इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर यानी अगर बहुत पैसे शरीफ फैमिली के पास हैं, इंटर्नशिप के तौर पे अगर ये अपने बच्चों को छोटे छोटे कामों पे लगाएं, इनको पता चले कि पाकिस्तान के असल हालात क्या हैं, ये जो सेक्रेटरी साहबान, ये जो खुशामदी टोला इनको बताता है वो दुरुस्त बात नहीं है। आप जरा तस्वर कीजिए कि अगर हमजा शहबाज शरीफ लाहौर की सड़कों पे ग्वाल मंडी में अखबार तकसीम कर रहे होते, उनको पता होता कि कहाँ सड़क टूटी है, कहाँ बारिश के बाद पानी खड़ा है, कहाँ पे लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल में है। मरियम नवाज शरीफ तो हमने देखा है कि वो जब यहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला हुआ, बड़ा शोर मचा और उसमें मेरिट को जिस तरह से इग्नोर किया गया। अगर वो किसी स्कूल में उस्तानी होती, उनको पता होता तो एक महीने के लिए 15 दिन के लिए कहीं जाके गरीबों के बच्चे पढ़ा दें कि किसके पाँव में जूता नहीं है, किसके पास फीस देने के पैसे नहीं है, किसके। देखिए, मैं पढ़ने के लिए जर्मनी गया तो मैं जिस तैयारे में गया उस तैयारे को एक खातून चला रही थी, जिस मुल्क में गया उस मुल्क की चांसलर खातून थी, होटल में खातून थी। वैसे ये बताना चाह रहा हूँ कि 50% पॉपुलेशन अमरीका की अगर तरक्की के रास्ते के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रही है तो हमारी 50% औरतें जो हैं हमने उनको कहां रखा। अच्छा, लेकिन यहां औरतों मर्दों का मसला, या तो मरियम नवाज साहिबा को देखिए तो उनका तो बड़ी वो पावरफुल है, या तो गरीब अमीर, या तो VIP कल्चर की बात है। हमारे यहाँ तो VIPs के बच्चों को एक सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं और सोने का चमचा। मामले को बहुत दूर ले गए, ये एक सिम्बोलिक उनकी तरफ से एक एक्शन था। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब दी डॉटर ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेजिडेंट ऑन अर्थ, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो भी एक जाके एक आम रेस्टोरेंट में काम कर सकती है। उनने ये मैसेज दिया है कि भाई हम भी, हमारे बच्चे भी आम शहरियों की तरह हम उनको बड़ा कर रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो पावर का नशा है ये हमारे दिमाग में नहीं गया है। हम पता है कि 8 साल व्हाइट हाउस में रहेंगे, उसके बाद हमने वापस जाके आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारनी है। देखें, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा बार बार अपने नाज़रीन को, अवाम को दिखानी चाहिए।
कैसे डेविड कैमरून अपना फ्रिज खुद उठा रहा था जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट से निकल के वो अपने गाड़ी में सामान लोड कर रहा था। हमें दिखाना चाहिए कैसे डेविड कैमरून मेट्रो के अंदर खड़ा हुआ था क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी, अखबार खड़े होकर पढ़ रहा था ऑफिस जाने के लिए। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जाता है अपने ऑफिस, हमें क्लिप बार बार दिखाना चाहिए। हमें वो तस्वीर दिखानी चाहिए कि सिंगापुर का प्रेसिडेंट जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी को खाना खिला रहा है छोटी सी टेबल पे दो फुट एक आम रेस्टोरेंट में बैठ के। हमें बताना चाहिए कि अब ईरान का प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद जब वो प्रेसिडेंट था तो उसकी 1960 मॉडल फोक्सवैगन कार थी जो बाद में उसने बेच दी एक हाउसिंग फाउंडेशन गरीब लोगों के लिए, उसमें चैरिटी के करें। ये है लीडर, ये लोग होते हैं, ये माइंडसेट है। आप बात करें हमदर्द के पास, फारूक साहब आप भूल गए हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब की बेटी एक बेकरी के ऊपर लेने गई कोई चीज, सिर्फ इतना उस बेचारे ने कहा कि जनाब इस वक्त बेकरी का टाइम खत्म हो गया है, सफाई हो रही है, आप बाद में आ जाएं, तो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसके ऊपर कैसा तशद्दुद किया, उसके बाद उनके दामाद को कानूनी कार्रवाई तो से गुजरना पड़ा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमदा शहबाज साहब सड़कों पे जाके आम शहरियों की तरह आपको नजर आएंगे? और वो तो ट्रेवल नहीं कर सकते हम लोग की तरह, सुबह के मालिक हैं भाई। ये एक और किस्म का माइंडसेट है, ये एक और बादशाह किस्म का माइंडसेट कब तब्दील होगा, सवाल ये पैदा होता है। आप एक एक फैमिली को ना कहें, ये सब में है ये इस तरह का माइंडसेट, ये जितने हमारे हुक्मरान हैं टॉप हमारी फैमिली भी मसला ये भी है कि अमरीकी सदर को पता है कि एक मुद्दत के बाद अमरीकी सदर दोबारा सदर नहीं बनेंगे, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, उन्होंने अपने दो तीन टर्म्स पूरे कर लिए, उसके बाद फिर वो नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ तो जितनी मर्जी दफा बनाई जाए किसी पार्टी को हुकूमत में लेकर आई जाए, उन्होंने हुक्मरानी करते रहना है, बाप चला जाएगा बेटा आ जाएगा, बेटा चला जाएगा उसका बेटा आ जाएगा, मौरूसी सियासत होगी तो फिर यही होगा। लेकिन नाज़रीन जहां बात करें सियासत की तो फिर पॉजिटिव इमेज भी जाना चाहिए, और बात करें पॉजिटिव इमेज की तो कल्चर इंतहाई अहमियत का हामिल है, और कल्चर की, पाकिस्तानी कल्चर की, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा मायानाज नाम शमीम आरा साहिबा अब हमें नहीं रही, 30 साल तक उन्होंने राज किया इस इंडस्ट्री पे, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, मुलाहिजा करिएगा। किसी को क्या बताऊं, मुझे याद कुछ नहीं है, कहां रह गए बिछड़े कर मेरी शाखे आशियाना, मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना। शमीम आरा साहब अब नहीं है, तनवीर साहब एक कॉमेंट। अदाकारा भी बेहतरीन थी, डायरेक्टर भी अच्छी थी, और एज ए ह्यूमन बीइंग भी शानदार शख्सियत की मालिक थी। वो चली गई लेकिन उनका फ़न बाकी रहेगा, उनकी यादें बाकी रहेंगी, और ये पाकिस्तान एक बड़े लेजेंड से महरूम होगा। सही, तो फारूक साहब एक कमेंट। बिल्कुल लेजेंड, और मैं ये कहूँगा कि मुझे आप दोनों के मुकाबले में इधर एडवांटेज है, क्योंकि 60s और 70s में एक्चुअली मैंने इनकी फिल्मों का दौर देखा जब ये बिल्कुल आप ये समझिए शी वाज द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस ऑफ द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, और बड़ी यादगार फिल्में बनी हैं, तो मैंने तो एक्चुअली फिजिकली इनका दौर देखा हुआ है, इनकी फिल्में भी देखी हुई उस जमाने में 60s और 70s। तो शुगन भी बेस्ट, ठीक है, ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक अहम सितारे, एक अहम लेजेंड से जो है वो आज महरूम हो गया है। शमीम आरा साहिबा के लिए हम दुआगो हैं, और हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फेसबुक और ट्विटर पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाखबर सुबह के नाम से हम दोनों पर मौजूद हैं सोशल मीडिया की साइट्स पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड।